हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गायत्री मेकओवर। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब हम प्री लाइटनिंग करते हैं तो हमारे बालों में जो येलो टोन आ जाती है, ऑरेंज टोन रह जाती है, तो उसका रिफ्लेक्शन उसको कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो बाल लिए हैं वो एक क्लाइंट के रियल बाल हैं, हेयर कट किया था मैंने, उन्हीं का बाल है और वर्जन हेयर है। वर्जन हेयर मतलब इन बालों पर कोई केमिकल, कोई मेहंदी, कोई कलर कोटेड नहीं है, तो ओरिजिनल हेयर हैं ये क्लाइंट के। तो सबसे पहले जब हम प्री लाइटनिंग करते हैं तो हमें बाल का लेवल चेक करना होता है कि हमारा जो बाल है वो किस लेवल का है। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले से, आप लोग वो देख सकते हैं कि हमारे जो इंडियन हेयर होते हैं वो कितने लेवल के होते हैं और हम लोग उन्हें उनके लेवल को कैसे पहचान सकते हैं, ताकि जब हम प्री लाइटनिंग करते हैं तो हमें कितने लेवल लिफ्ट करना है और कौन सा वॉल्यूम यूज करना है। तो इस तरीके की जो जानकारी है पूरी डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताई है। और जो मेन पॉइंट है इस वीडियो में वो यही है कि जब हम प्री लाइटनिंग करते हैं और हमारे बालों में ऑरेंज टोन जो आ जाती है उसे किस तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई कलर अप्लाई करते हैं न्यूट्रलाइजिंग करने के बाद, हाईलाइटिंग करने के बाद, तो हमारे बालों में जो है ऑरेंज टोन जो है दिखाई देती है। तो वो कुछ क्लाइंट ये चाहते हैं कि हमारे बालों से जो है ऑरेंज और येलो टोन बिल्कुल चली जाए और उसके बाद हम जो भी कलर अप्लाई करेंगे ब्लोंड शेड में वो बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे, ऑरेंज रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाए या फिर येलो रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं येलो टोन और रेड स्टोन पर भी वीडियो बनाऊँ न्यूट्रलाइजिंग की, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से वो वीडियोस भी बना दूँगी। काफ़ी सारी वीडियोस आप लोग देखते होंगे हाइलाइटिंग की और प्री लाइटनिंग की, लेकिन इस तरीके के जो मेन पॉइंट्स होते हैं कि हम लोग रिफ्लेक्शन कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, बहुत कम वीडियोस आप लोगों को चैनल्स पर मिलेंगी। तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बालों का लेवल चेक किया। मेरे जो बाल हैं यहाँ पर वो 4 या 5 लेवल के हैं। मैंने यहाँ पर कार्ड शेड लिया था स्टिक्स का और उसमें जो लेवल्स की शेड होती हैं उसी से मैंने मैच किया है, तो 4 या 5 से जो है मेरे बाल मैच हो रहे थे। तो अब हमें ये देखना है कि हमें अपने बालों को कितने लेवल लिफ्ट करना है, 4 लेवल लिफ्ट करना है या 3 लेवल लिफ्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर 30 वॉल्यूम यूज किया है, मेरे को जो है 3 या 4 लेवल लिफ्ट करना है। अगर मोटे बाल होते हैं तो 40 वॉल्यूम यूज करेंगे, उससे हमारे 4 लेवल लिफ्ट हो जाएंगे। अगर पतले बाल हैं तो 3 से 4 हमारा 30 वॉल्यूम से भी जो है लिफ्ट हो जाएगा कलर। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को इक्वल मात्रा में, इक्वल रेशो में लिया है, 30 वॉल्यूम और ब्लोंडर। थोड़ा सा ही क्वांटिटी मैंने यहाँ पर मिक्स किया है, क्योंकि जो मेरे जो हेयर हैं जिन पर मैं काम करके दिखा रही हूँ वो बहुत ही छोटी सी एक एग्जांपल जो है उस तरीके का, तो इसलिए मैंने बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने मिक्स कर लिया। सबसे पहला पॉइंट जो ज़रूरी है, हमारा जो ब्लोंडर है और जो भी हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं 30 हो या 40, बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग 1 या 2 मिनट लगा लेंगे मिक्स करने में, ताकि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उससे क्या होगा, हमारे बालों पर जो प्री लाइटनिंग होगी वो पैचेस में नहीं होगी और बहुत अच्छे से अप्लाई भी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा प्री लाइटनिंग या हाईलाइटिंग करने का, जिन भी बालों पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से मल्सीफाई करें, ताकि हमारा कोई भी बाल ना रह जाए। अगर एक भी बाल पर, दो भी बाल पर हमारा जो है ये प्रोडक्ट नहीं अच्छे से अप्लाई हुआ तो वहाँ पर जो है रह जाएगा और वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा जिस तरीके से हमको चाहिए। अब मैंने यहाँ पर इन बालों को बहुत ही अच्छे से मल्सीफाई करके, अच्छा से प्रोडक्ट लगा के, कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। तो एक सिल्वर फॉइल का पेपर लेंगे, जिस तरीके से हम लोग हाईलाइटिंग करते हैं सेम बिल्कुल वही तरीका मैंने यूज किया है। यहाँ पर अच्छे से अप्लाई करेंगे, बीच में 1-2 बार खोल के देख लेंगे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट, जो टोन अंडर टोन हमें चाहिए, ऑरेंज चाहिए या फिर येलो, वहाँ तक हम लोग उसे आने देंगे। 25 से 30 मिनट का समय जो है इस प्रोसीजर में लग जाता है, बाकी जो है बालों की स्ट्रेंथ के ऊपर, बालों की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारे बाल जो वर्जन है या फिर कलर कोटेड है तो कितना समय लेंगे।
तो यहाँ पर जो है मैंने 25 से 30 मिनट दिया है, बहुत ही अच्छे से हमारा येलो ऑरेंज की टोन इसमें से निकल गई। आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है एक बार बीच में खोला था अच्छे से, वही प्रोडक्ट मैंने मल्सीफाई दोबारा से किया ताकि मेरा जो है कोई भी बाल रह ना जाए और रिजल्ट मेरा जो है प्रॉपर आए। तो 25 से 30 मिनट के बीच में हम लोग एक बार खोल के देख लेंगे कि हमारे रिक्वायरमेंट जो अंडर टोन है वो हमें मिली है, वहाँ तक हमारा कलर कट हुआ है या नहीं है। तो जहाँ तक भी आपको टोन चाहिए वहाँ तक आप लोग रखने के बाद उसे वॉश कर लेंगे। ये लो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो है ऑरेंज येलो, यानी कि मैंने 30 वॉल्यूम यूज किया है, तो वर्जन हेयर है मेरा, 3 लेवल लिफ्ट हो गया है। यहाँ पर 5 नंबर का बाल था, 6, 7 और 8, 8 लेवल पर जो है मेरा यहाँ पर ऑरेंज येलो निकल गया है। 9 और 10 पर जब हमारा बाल जाता है तो हमारा जो है येलो और पेलिश येलो की अंडरटोन निकलती है बालों के अंदर से प्री लाइटनिंग के बाद। तो यहाँ पर जो है मेरा ऑरेंज येलो निकल गया है, ऑरेंज का थोड़ा सा ज़्यादा है रिफ्लेक्शन और येलो का थोड़ा कम। तो ऑरेंज टोन को किस तरीके से न्यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पर मैंने स्टिक्स की जो है ब्लू कलर की ट्यूब ली है। अगर हमें ऑरेंज टोन ख़त्म करना होता है बालों के अंदर से तो ऑरेंज कलर की ट्यूब लेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी में लिए हैं क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो भी बहुत थोड़े से हैं। ऑरेंज ब्लू कलर की ट्यूब ली है और उसमें उतना ही मैंने शैम्पू मिक्स किया है और उसमें हल्का सा 1 चम्मच जो है पानी मिक्स करेंगे क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है मेरे बालों की। तो मैंने हल्का सा ही प्रोडक्ट जो है तैयार किया है, आप लोग अपने बालों के अकॉर्डिंग इसे तैयार कर सकते हैं जितनी ज़रूरत हो। तो अब मैंने क्या किया, अच्छे से इसे मिक्स करके अपने बालों पर जो है अच्छे से मल्सीफाई करूँगी। यहाँ पर जो मेन पॉइंट, जो मेन बात है ध्यान रखने की, वो ये है कि प्रोडक्ट लगाने के बाद जो शैम्पू है, जो ब्लू शैम्पू जो मैंने तैयार किया है, उसे बहुत ही अच्छे से मल्सीफाई करेंगे। लगभग 3 से 5 मिनट हम लोग बालों पर लगाएंगे। जब आप रियल हेयर पर काम कर रहे हो तो शैम्पू सेशन पर एक क्लाइंट को बिठा लें और वहीं शैम्पू सेशन पर हम लोग ये प्रोसीजर करेंगे ताकि जो है, क्योंकि बाल गीले होते हैं और हमें जो है मल्सीफाई करना होता है 3 से 5 मिनट के लिए, तो ये जो काम है हमारा शैम्पू सेशन पर ही होगा। अच्छे से बालों में अप्लाई कर लें और जब खूब अच्छे से झाग हो जाए और हमें दिखाई देने लगे कि हमारी जो अंडर टोन है, जो हमें ख़त्म करनी है, न्यूट्रलाइज करनी है, वो हमारी चली गई है, तब तक बहुत अच्छे से न्यूट्रलाइज करें। यहाँ पर मैंने वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं किया है और ना ही स्पीड बढ़ाई है वीडियो की, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से मैं दिखा सकूँ कि मैंने कितनी देर मल्सीफाई किया है और किस तरीके से किया है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से मेरा जो टोन है वो धीरे धीरे जा रहा है। आप लोग देख रहे हो इसमें से ऑरेंज और येलो का जो रिफ्लेक्शन आ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और अभी आप लोगों को मैं वॉश करके और इसे ड्रायर करके दिखाऊंगी कि इसमें से ऑरेंज येलो जो टोन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसके बाद आप अपना जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं ब्लोंड शेड का वो कर सकते हैं, आपको जो है ऑरेंज टोन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी देखने को। तब तक मल्सीफाई करना है तब तक हमें बिल्कुल हमारा रिफ्लेक्शन ख़त्म ना हो जाए। तो ये देखिएगा मैंने लगभग 3 से 5 मिनट बहुत अच्छे से हमारे झाग अच्छे से निकल गए हैं शैम्पू के और हमारा जो ऑरेंज टोन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो हमारा धीरे धीरे जो है ये ऐश कलर की तरफ जो है चला गया है। अब हम इस पर कोई भी ब्लोंड शेड या फिर कोई भी फैशन शेड जो है अप्लाई कर सकते हैं, हमारा जो टोन है वो निकल गया है। मेन मेरा इस वीडियो का जो बनाने का पर्पज़ था वो यही था कि अगर हमारे बालों में ऑरेंज येलो या फिर येलो का मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि येलो टोन पर भी मैं वीडियो बनाऊँ, पेलिश येलो और येलो टोन हम लोग रिफ्लेक्शन कैसे ख़त्म करते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जिन भी जो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं इस काम की, हेयर केमिकल का वर्क जो सीखते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आते हैं प्री लाइटिंग करने में, हाइलाइटिंग करने में, तो वो इस वीडियो को देखकर कर सकें। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं येलो अंडरटोन और रेड अंडरटोन पर भी वीडियो बनाऊं, और आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ये देखिएगा बिल्कुल हमारा जो है ऑरेंज येलो जो था इसके अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।